और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें, महाराष्ट्र के मीरा रोड में कल हुए बवाल के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बुलडोजर ने मीरा रोड के हैदर चौक पर मौजूद अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी। मीरा रोड में रविवार की रात को जय श्री राम की झंडे लगी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और फिर सोमवार की शाम को शोभा यात्रा निकलने के दौरान एक समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी भी की थी। लेकिन अब तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र के मीरा रोड से सामने आई है। बुलडोजर यहां पर मंगवाए गए और उसके बाद आप देखिए कैसे ध्वस्त कर दिया गया है जो भी अवैध निर्माण यहां पर बीच में दिखाई दे रहे थे। मीरा रोड में रविवार की रात को जय श्रीराम के झंडे लगी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और उसके बाद सोमवार को जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस दौरान भी एक समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की थी और जिसके बाद ये अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं, मीरा रोड पर अवैध निर्माणों को किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। और ये तस्वीरें, ये एक्शन, ये संदेश देने के लिए भी है कि अगर कोई भी इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम भी यही होने वाला है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि शिंदे सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई है वहां पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये दो तस्वीरें देखिए, एक 21 जनवरी 2024 की है, वहीं दूसरी तस्वीर आज की है। 21 जनवरी 2024 की तस्वीरें आप देख रहे हैं जबकि राम नाम के झंडे लगी गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही, एक समुदाय विशेष की ओर से तोड़फोड़ की गई। उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि सोमवार को जब एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस दौरान भी एक समुदाय विशेष के लोगों ने शोभा यात्रा में दखल डालने की कोशिश की, खलल डालने की कोशिश की। उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन आप इस वक्त मीरा रोड हैदर चौक पर देख पा रहे हैं जहां पर इलीगल जो कंस्ट्रक्शन था उसे ध्वस्त किया जा रहा है। मीरा रोड की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपके टीवी स्क्रीन पर है। इससे पहले जो सीसीटीवी भी हमने आपको दिखाया वो उसी वक्त का था जब उपद्रवी यहां पर तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आपके इस वक्त सामने है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे इलाके में सुरक्षा को भी उसके बाद बढ़ाया गया। एक बार फिर से दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, 21 जनवरी 2024। इसी सीसीटीवी के आधार पर कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, आपसी सौहार्द किसी भी तरीके से ना मिटे ना उसमें खलल पड़े, इसको लेकर शिंदे सरकार स्टिक दिखाई दे रही है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह की घटना रविवार की रात को और फिर सोमवार की शाम को सामने आई थी उसको देखते हुए पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर पुलिस ने तगड़े बंदोबस्त क्यों नहीं किए थे और जब इस तरह की घटना हुई तो उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हिंदू संगठन लगातार आक्रामक दिख रहे थे जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस का जो बयान सामने आया था कल, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो अवैध निर्माण होगा उसको तोड़ा जाएगा। और उसी के चलते मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त तोड़ कार्रवाई जो भी अवैध निर्माण है, क्योंकि जिस तरह से रविवार में की गाड़ियों में तोड़फोड़ इनकी द्वारा की गई थी, जो आरोपी गिरफ्तार हैं उन्हीं आरोपियों के अवैध निर्माणों पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल बुलडोजर वहां पर चल रहा है और महानगर पालिका के अधिकारी एक एक अवैध निर्माण को ढहाने में इस वक्त जुटे हुए हैं। दिवाकर बने रहिएगा आप हमारे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। जैसा दिवाकर जानकारी दे रहे थे कि जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं, बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे हैं, उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने आपसी सौहार्द बिगाड़ने की उस वक्त कोशिश की थी। एक बार फिर से दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, अभी की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या और जानकारी है, कितनी तादाद में ये अतिक्रमण किया हुआ पूरा रास्ता है जिसको यहाँ पर ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है महानगर पालिका के अधिकारी ये बता रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में ये अवैध निर्माण किया गया था, क्योंकि मीरा रोड के नया नगर इलाके का हैदर चौक का इलाका है और यहीं पर रविवार की रात को उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, आपसी जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिन गाड़ियों में राम नाम के झंडे लगे हुए थे और उसके बाद जो वीडियो सामने आए थे उसके बाद जो है हिंदू संगठन लगातार आक्रामक हो चुके थे और इसके बाद जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया और साफ तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कल साफ कर दिया था कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और क्योंकि ये पूरा इलाका जो है, क्योंकि स्टेशन जाने का रास्ता है ये नया नगर के आसपास का, तो यहाँ पर जो पूरा इलाका है काफी ज्यादा अवैध निर्माण है और इसी को अब एक एक करके जो महानगर पालिका का बुलडोजर जी। दिवाकर आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई दे रही हैं, रैपिड एक्शन फोर्स दिखाई दे रही है, पुलिस बल की कई टुकड़ियां वहां पर मौजूद है, एनक्रोचमेंट को तोड़ा जा रहा है। आपको बताया जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई थी इन लोगों की ओर से जिन्होंने वहां पर उपद्रव मचाई, आपसी सौहार्द को खत्म करने की कोशिश की, उन पर कार्रवाई जारी है और इस दौरान
मामला कहीं बिगड़े ना, किसी तरीके से सिचुएशन खराब ना हो, स्थिति बिगड़े ना, इसके मद्देनजर वहां पर इन तमाम टुकड़ियों को तैनात किया गया है। लेकिन इस वक्त डिमोलिशन का काम लगातार जारी है, डिस्ट्रक्शन जिस तरीके से की गई है वहां पर, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसे ध्वस्त करने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि क्या जो सभी मिस्क्रिएंट्स थे वहां पर, जो सभी उपद्रवी थे, वो इस वक्त आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं या नहीं कर लिए गए हैं, लेकिन डिमोलिशन का काम लगातार जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी की आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाकर हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, ऐसे केसेस में इससे पहले भी हमने देखा है कि गिरफ्तारी होती है उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है, चूंकि शोभा यात्रा यहां से निकलनी थी पहले से तय था, तो क्या ये सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया? 13 लोगों की इससे पहले गिरफ्तारी की भी खबर मिल रही है, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर सवाल यही खड़े हो रहे थे कि अगर इस तरह की घटना रविवार की रात को हुई और फिर जब सोमवार की शाम को शोभा यात्रा हिंदू संगठन निकाल रहे थे, उस दौरान जो पत्थरबाजी की गई उसमें पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं किया, पुलिस ने कोई ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं किया जिससे आपसी माहौल ना बिगड़े, तो इससे जो है कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और जब बात सरकार तक पहुंची, देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक पहुंची, तो जाहिर तौर पर उनके लिए ये स्ट्रिक्ट एक्शन था वो लेना बहुत जरूरी था। और जो आरोपी 13 पकड़े गए हैं उन्हीं के अभी तक जो ठिकाने जहां पर अवैध निर्माण किया गया है उस पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, कुछ और आरोपी इस पूरे मामले में है, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा जो वीडियो सामने आया था उसमें दिख रही थी, जो पत्थरबाजी शोभा यात्रा पर की जा रही थी या फिर जो रविवार की रात को गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, तो बाकी को आइडेंटिफाई करने की जो कोशिश है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन फिलहाल 13 आरोपियों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हीं 13 आरोपियों की जो अवैध निर्माण है जिस पर इस वक्त महानगर पालिका का बुलडोजर चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े, सौहार्द बना रहे, इसके लिए बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें हैं वहां पर तैनात की गई है ताकि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले सके। लौटेंगे दिवाकर आपके पास, लेकिन जिस तरीके से राम नाम के झंडे लगी, गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई, शोभा यात्रा को टारगेट किया गया और उसके बाद ये एक्शन हम देखने को हमें मिल रहा है, एक बात तो साफ है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह की अराजकता फैलाने की जो इंडिपेंडेंस लिबर्टी तमाम अराजक तत्व लेते थे वो लिबर्टी नहीं दी जाएगी, ये सीधा सीधा मैसेज है शिंदे सरकार की ओर से। लेकिन दिवाकर हमें समझाइए, ये मीरा रोड के जिस इलाके में डिमोलिशन का काम जारी है किस तरह का इलाका है ये, क्या सेंसिटिव है? देखिए, ये जो इलाका है नया नगर का इलाका है, नया नगर का ये हैदर चौक है, यहाँ का ये इलाका है और यहाँ पर मैं कहूँ कि जो विशेष समुदाय है उसकी आबादी काफी ज्यादा है। और रविवार की रात को जो घटना हुई थी, जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उन पर श्रीराम नाम के झंडे लगे हुए थे और उन्हीं गाड़ियों में, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इरादतन जो है ये तोड़फोड़ की गई, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई और इसीलिए बाकायदा पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन शाम को जिस तरह से सोमवार की शाम को घटना सामने आई, जिस तरह से पत्थरबाजी की गई शोभा यात्रा पर, उस पर लेकर साफ तौर पर पुलिस पे सवाल भी थे, लेकिन पुलिस ने उस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जो सुबह की घटना रविवार को हुई थी उसमें गिरफ्तारी हुई है, तो कुल मिलाकर अगर कहें तो पुलिस के लिए खास तौर पर ये एक बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जो इलाका है यहाँ पर काफी सेंसिटिव इलाका इसे माना जाता है, क्योंकि